नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की बेटी ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एशियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से 17 से 21 जून तक 4 दिवसीय एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलावा कजाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, जापान, उज्बेकिस्तान, ओमान, कुवैत समेत कई देशों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भारतीय दल की ओर से दुर्गापुर की सीमा दत्ता चटर्जी एवं अंशु सिंह को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिला। सीमा दत्ता ने प्रतियोगिता में स्क्वैट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एवं ओवरऑल चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं अंशु सिंह ने स्क्वैट में स्वर्ण, डेडलिफ्ट व ओवरऑल में रजत पदक जीता। আর আমি পেয়েছি হচ্ছে 3টে গোল্ড মেডেল হচ্ছে স্কোয়াট, বেঞ্চ আর ডেডলিফটে। এছাড়া ওভারঅলেও গোল্ড মেডেল, মানে টোটাল 4টে গোল্ড মেডেল। আর এছাড়া এটা পেয়েছি স্ট্রংগেস্ট ওমেন টোটাল এশিয়ার মধ্যে ফার্স্ট রানার্স পাওয়া। আমি ভীষণই খুশি এই জন্যেই, কারণ হচ্ছে আজকে আমি যে কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং আমার ইচ্ছা সত্যিও ছিল প্রবল, এবং আমার যে কোচ অংশু সিং সে আমাকে খুবই ভালোভাবে গাইডেন্স দিয়েছিল, এবং আমাদের যে আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন আছে, স্টেট পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন, এখানে কানাইদা, প্রবীর, এছাড়া হচ্ছে নির্মল সাহা, এরা আমাকে সবাই হচ্ছে আমাদের এই এরপরে আমাদের যেটা আছে, আমরা একটার পর একটা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ যেখানে সেখানে হবে, প্রত্যেক মাসে আমাদের মোটামুটি। सीमा एवं अंशु के प्रदर्शन से शहर के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। सीमा दत्ता चटर्जी ने बताया कि पावर लिफ्टिंग में उनके और भी कई सपने हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। एआरआई न्यूज के लिए दुर्गापुर से अमन राय की रिपोर्ट।